नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये इंडियन हिस्ट्री का भाग 8 है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं गुप्तकाल, मराठा और पेशवा और सूंग वंश। और दोस्तों, ये भारतीय इतिहास की आखिरी वीडियो है, क्योंकि हमने टोटल 8 वीडियो में पूरा इतिहास कवर कर दिया है। तो इससे पहले की वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, ये RRB NTPC, रेलवे ग्रुप डी, SSC LDC और CISF हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे आप अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो यह है इंडियन हिस्ट्री का भाग 8। इसमें हम देखते हैं गुप्तकाल, जो 319 से 540 तक था। भारतीय इतिहास का पहला स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? गुप्तकाल को ही बोलते हैं। भारतीय इतिहास का पहला शास्त्रीय काल किसे कहते हैं? इसे भी गुप्तकाल को ही कहते हैं। और गुप्तकाल में ही सबसे पहले देवी और देवताओं की मूर्ति बनाई गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुप्तकाल में ही सबसे पहले मंदिरों का निर्माण किया गया। और गुप्तकाल के जो सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, इनको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। जैसे कि मेहरौली स्तंभ लेख, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है। इलाहाबाद स्तंभ लेख, ये समुद्रगुप्त का है। जूनागढ़ स्तंभ लेख, ये समुद्रगुप्त का ही है। और विलसड अभिलेख, ये कुमारगुप्त का है। और पूना ताम्रलेख, ये प्रभावती का है। एरन अभिलेख, ये भानुगुप्त का है। इसी अभिलेख से पता चला है सती प्रथा का, ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। फिर आता है भित्री अभिलेख, ये है कुमारगुप्त का। आगे देखते हैं। इन अभिलेखों के अनुसार ही श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की, यानी कि गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि भी ली, ये भी आपको ध्यान रखना है। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र घटोत्कच बना और इसने ही महाराजा की उपाधि ली। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है, ठीक है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही 319 में गुप्त संवत चलाया, ये भी पूछ ले जाता है। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई? 319, आपको ध्यान रखना है। शक संवत और गुप्त वंश में अंतर है 241 का, क्योंकि शक संवत 78 ईस्वी का है और गुप्त 319, तो इनका अंतर भी एक बार पूछा गया है, 241 है। विक्रम संवत 57 BC, ये आपको जो BC और AD दिखाई दे रहे हैं, ये इसी तरह हिंदी में काफ़ी बार ऑप्शन में मिले हैं, इसीलिए हमने इन्हें ऐसे ही लिखा है। विक्रम संवत 57 BC, शक संवत 78 AD, गुप्त संवत 319 AD, हिजरी संवत 622 AD और इलाही संवत 1583 ईस्वी। चंद्रगुप्त ने ही लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। फिर चांदी के सिक्के चलवाने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ही था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चांदी के सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी इसका पुत्र समुद्रगुप्त बना। फिर आप कहा जाता है समुद्रगुप्त, इसका कार्यकाल है 335 से 75, यानी कि 335 से 375। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, क्योंकि दक्षिण भारत के 12 शासकों और उत्तर भारत के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, ये भी कारण भी है, कई बार पूछा गया है। इसके बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराए। इसके बाद समुद्रगुप्त ने अपने लेखक हरिसेन को इलाहाबाद स्तंभ लेख में अपनी विजयों का उल्लेख करने के लिए नियुक्त किया। समुद्रगुप्त एक कवि था, इसीलिए इसने कविराज की उपाधि भी ली। फिर आगे आता है, समुद्रगुप्त एक वीणा वादक भी था और इसने वीणा वादन करते हुए सिक्के भी चलाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। वीणा वादन करते हुए सिक्के समुद्रगुप्त के ही है। फिर आता है वसुबंधु नामक बौद्ध भिक्षु समुद्रगुप्त के दरबार में था। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, रामगुप्त जो कि बड़ा था और चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि छोटा था। समुद्रगुप्त के बाद बड़े पुत्र रामगुप्त को शासक बना दिया गया। फिर आपका आता है रामगुप्त, इसका कार्यकाल है 370 से 380 के बीच का। इसका पता देवी चंद्रगुप्तम से चला। रामगुप्त का एक सेनापति था जिसका नाम था गोपराज, यह युद्ध में मारा गया और उसकी पत्नी ने चिता में कूद कर आत्महत्या कर ली, यहीं से पहली सती प्रथा बन गई।
फिर आगे आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका कार्यकाल है 380 से 412। यह गुप्त वंश का महान शासक था। अपने दरबार में नवरत्न रखने वाला पहला शासक यही था। यह भारत का पहला विक्रमादित्य भी था, क्योंकि इसे विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाला प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान यहाँ पर आया। ये 399 से 414 तक रहा। इसका एक कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है, ये ध्यान रखना है। चीनी यात्री फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, और इसका कार्यकाल चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्र कुमारगुप्त को शासक बना दिया। फिर आता है कुमारगुप्त, इसका कार्यकाल है 412 से 454। 413 में कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। नालंदा को बख्तियार खिलजी, यानी कि मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था, इसने इसे नष्ट कर दिया 12वीं शताब्दी में। कुमारगुप्त ने महेंद्रदित्य की उपाधि भी ली थी। कुमारगुप्त के गुप्तकाल में सबसे ज़्यादा अभिलेख मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं, कुमारगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का कार्यकाल है 454 से 467। यह गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। इसने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई, ध्यान रखना है। इसकी मरम्मत जो कराई सुदर्शन झील की, वो स्कंदगुप्त ने ही कराई। इस सुदर्शन की मरम्मत कराने के लिए स्कंदगुप्त ने चक्रपालित को नियुक्त किया। गुप्त वंश का अंतिम शासक कुमारगुप्त द्वितीय हुआ। आगे देखते हैं गुप्तकालीन कुछ प्रमुख पुस्तकें, जिसमें कालिदास द्वारा लिखी गई है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संवत, ऋतु संहार, मालवी का अग्निमित्रम, रघुवंश, और विशाखदत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। फिर बाणभट्ट, इसने लिखी है हर्षचरित्र और कादंबरी, ये कादंबरी काफ़ी फेमस है। और फिर अमर सिंह ने लिखी है अमरकोश, और बारह मिहिर ने लिखी है बृहत संहित और पंच सिद्धांतिका, और आर्यभट्ट ने लिखी है आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत। फिर आता है धन्वंतरी, इसने लिखी है अनुसिद्धांत, और चरक ने लिखी है चरक संहिता। ये जितनी भी प्रमुख किताबें हैं, ये हमने वही इसमें बताई है जो परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे आता है एक नोट, भारत का पहला जो मंदिर था वो गुप्त काल में ही बना, जिसका नाम था दशावतार मंदिर। ये देवगढ़ झांसी में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपका आ जाता है दूसरा पॉइंट, मराठा और पेशवा, इसमें शिवाजी आते हैं। इसका कार्यकाल है 1627 से 1680। इसका जन्म हुआ था 1627 में पूना के शिवनेर दुर्ग में। इसके पिता थे साजी भोंसले और माता जीजाबाई। गुरु थे रामदास। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने दादा कोंडदेव से ली, ये भी ध्यान रखना है। शिवाजी ने 1667 में पहला आक्रमण मुगलों पर किया बीजापुर में। उस समय बीजापुर का जो शासक था वो औरंगजेब था। शिवाजी ने सूरत पर दो बार, यानी कि सूरत को दो बार लूटा। पहली बार 1664 में औरंगजेब ने जयसिंह को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई, जिसमें शिवाजी ने 22 किलों में से 15 किले जयसिंह को दे दिए। फिर 1670 में दूसरी लूट हुई सूरत में। 1674 में शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ रायगढ़ किले में। वाराणसी के पंडित गंगा भट्ट ने इसका राज्य अभिषेक किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1680 में कर्नाटक अभियान के दौरान शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी के जो मंत्रिमंडल थे उसका नाम था अष्टप्रधान। देख लेते हैं, इसमें पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को, अमावय कहते थे राज्य मंत्री को, सर ए नौबत कहते थे सेनापति को, और सुमंत विदेश मंत्री को, और वाकयानविश कहते थे सूचना मंत्री को, और पंडित राव कहते थे धार्मिक कार्य मंत्री को, और न्यायाधीश जज को। आगे देखते हैं, शिवाजी के पास नौसेना थी, जिसका मुख्यालय कोलंबो मुंबई में था। नौसेना का अध्यक्ष को दरिया सारंग कहा जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। शिवाजी का जो उत्तराधिकारी था उसका पुत्र संभाजी बना। फिर आता है आपका संभाजी, इसका कार्यकाल है 1680 से 1689 तक। 1681 में संभाजी ने अकबर के विद्रोह में उसकी मदद की औरंगजेब के विरुद्ध।
1689 में औरंगजेब ने संभाजी पर आक्रमण किया और इसकी हत्या कर दी और संभाजी के पुत्र साहू को गिरफ्तार कर लिया। संभाजी का भाई राजा राम शासक बना, इसे भी औरंगजेब ने मार दिया। इसके बाद राजा राम का पुत्र शिवाजी द्वितीय शासक बना, लेकिन इसकी उम्र 5 वर्ष थी, इसलिए राजा राम की पत्नी ने शासन संभाला। 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें ताराबाई हार गई और साहू जीत गया। 1707 में साहू शासक बना। फिर आपका आ जाता है साहू, इसका कार्यकाल है 1707 से 1713। साहू ने अपनी राजधानी सतारा को बनाया, जो पहले रायगढ़ होती थी। 1713 में साहू ने पहला पेशवा शासक बनाया बालाजी विश्वनाथ को। फिर आता है बालाजी विश्वनाथ, इसका कार्यकाल है 1713 से 1720। बालाजी विश्वनाथ और सैयद ब्रदर्स के बीच 1719 में दिल्ली की संधि हुई, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है। बालाजी विश्वनाथ, इसकी मृत्यु 1720 में हो गई। फिर आपका आता है बालाजी राव प्रथम, इसका कार्यकाल है 1720 से 1740, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 19 वर्ष की उम्र में शासक बन गया था, यह मराठों का सबसे महान पेशवा शासक था। इसने लगातार 40 युद्ध जीते और कभी नहीं हारा, इस पर एक मूवी भी बनाई गई है, बाजीराव, ये आपको पता होगा। प्रमुख युद्ध है इसका 1728 में पालखेड़ का युद्ध। इसकी दो पत्नी थी, काशीबाई जो कि हिंदू थी और मस्तानी जो कि मुस्लिम थी। इसकी मृत्यु बुखार के कारण 1740 में 39 वर्ष की उम्र में हो गई थी। फिर अगला शासक जो बना, इसका पुत्र बालाजी बाजीराव बना, बालाजी बाजीराव या नाना साहब पेशवा, इसका कार्यकाल है 1740 से 1761। इसके समय में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 1761 में। अंतिम पेशवा शासक बाजीराव द्वितीय था। 1818 ईस्वी में ब्रिटिशों ने बाजीराव द्वितीय पर आक्रमण किया और पेशवा के सभी प्रांतों को अपने अंतर्गत ले लिया। फिर आपका तीसरा पॉइंट आता है सुंग वंश, 185 से 75 तक। ये दोस्तों भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश था। इस वंश में संस्कृत का ज़्यादा विकास हुआ। संस्थापक इसका पुष्यमित्र सुंग है। पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए और ये यज्ञ पंतजलि ने किए, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपका आता है अग्निवीर सुंग, इसने सांची स्तूप की मरम्मत कराई। इसकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम था मालविका। मालविका अग्निमित्री नामक पुस्तक कालिदास ने लिखी है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था। फिर आगे आता है कण्व वंश, 75 से 30 तक। संस्थापक है इसके वासुदेव, अंतिम शासक है सुशर्मा, यह सिमुक के द्वारा मारा गया। फिर आपका आ जाता है आंद्रिया सातवाहन वंश, जिसके संस्थापक है सिमुक, राजधानी इन्होंने बनाई प्रतिष्ठान महाराष्ट्र। प्रथम महान सम्राट था सत्कर्णी प्रथम, इसे ही यानी कि इसने ही महाराष्ट्र राजधानी बनाई थी। महान जो सम्राट था इसका वो था गोमती पुत्र सत्कर्णी, ठीक है। सातवाहन शासक अपनी माता का नाम पहले लगाते थे, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है। भारत में सबसे पहले शीशे के सिक्के गोमती पुत्र ने चलाए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी हमने लगभग 8 वीडियो में पूरी हिस्ट्री कवर की है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन्हें कंप्लीट एक बार जरूर देख लीजिएगा और हमारे चैनल सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम आपको इसी तरह की वीडियो या कोई भी नई जानकारी तुरंत उपलब्ध कराते रहे। धन्यवाद।